काफिर दो साली से साखा है, काफिर वतन उल्ट पलट है माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं, और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घने दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाजरी ना शर्म ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, यमन भगत हो भगता ने अर्ध्यम जमाने चाहिए, ये चाहे एक कथा हो पर उसको सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था, शराबी ने तो रोज शराब चाहिए, फिर बुढ़िया उसकी मां थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ पांव चल रहे थे, इतने तो कुमा के ले गई, वो शराब पी वे समझाओ माना नहीं, पर मां की ममता न्यारी हो सह कदे तो समझ जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उस लकमी ने कह दिया कि तू तो अपनी मां का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए गुटी, मां ने शराब दी वो ठोकर, और कहते मां को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा, और आगे ठोकर लगी, शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुलम कर दिया, तो कहते हैं गिर गया वो, और मां के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लगी। तो यहां बताते हैं कि मां की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसका उसके साथ फिर बद व्यवहार करें, उसकी बात ना माने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस मां की सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधू आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बिठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूं, दूसरे घर में जाना कोई बालक का खेल नहीं है, और वहां उस बालक ने कोई राजी ना बोलवा रहे क्यों कर फिर वहां पर। तो ऐसे हमने एक अपना अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत वह पुत्र वधु है उसके साथ थोड़ा मत भेद करे, यानी कोई भेदभाव करे तो उसकी आत्मा जलाया करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्र वधु को रखे, ऐसे पुत्र वधु का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी मां से उसकी ममता है, नई मां जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका, वहां तक 15-20-18 साल रही होगी और वहां आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक ग्रस्त जीवन को भी सुधारना है। तो यहां क्या बताते हैं, काफिर जो साली से साखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलट है मां का, वो काफिर जो मां के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहां भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये, जो भक्ति मार्ग में मां होते पिताजी, अगर नो का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने, क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं, जो भक्त आत्मा है, और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं डांटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे, और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे, फिर देखो विचार। तो ऐसे भगवान का आदेश है। पूज देई धाम को सी सलावे जोए, गरीबदा साची कह हद काफर है सोए। कन्या को मारना ये भी ढेर आदमी काम होते हैं, लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप बता इसका। काफिर हुक्का पी में अन्यायी, काफिर भांग भसोड़ी भर ही, काफिर हुक्के कूसर कर ही,
काफिर घट में धूमा दे ही काफिर नास नाक में ले ही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है अंदर, हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, और काफिर भांग बसोड़ी बरही काफिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बतावे, और काफिर घट में धूमा दे ही, घट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में ले ही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना, अब पहले हुक्के को लेते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पियो। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लग गई, यह बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लग गई गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आ जा बेटा आ बेटी देख थोड़ा सा पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर नो प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी उक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल, क्यों बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करे अगर बालक, तो फिर वो उक्का पीते नू करेंगे, फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुंडी चीज है, और आप पीवे तेरा गजब भैया। कहते पंडित और मसालची दोनों सूजना, ओरा न करें चांदना रे आप अंधेरे माँ। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार गूट, ज्ञानियों भी जड़ी गिर गई। अब जैसे मात पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे पिताजी पी रहा है तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीण छुप के, और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, नो कहेंगे भाई आ जा तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले, बता ये पता है कि मानना को नहीं पाछ पीवेगा, अपने आप बुराई पैदा कर दी। अपने आत्माओं, तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, तेरा जीवन व्यर्थ है। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरन करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धूमा सबसे पहले उस सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पाड़ थे, तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार के उसने साफ करा करते,
जबकि तमाकू नीचे जाता का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे उक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होकर, और फिर भी उसमें इतना जो है ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा इसे कसूते लील लाल हो जाया करें। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषमना उस सुराख को ये तमाखू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं, और काल यही चाहता है कि इनका सुषमना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी, बीड़ी तंबाकू से मतलब है, नो नहीं बेचे हुक्का पीऊ सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प बने गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गामा में परचून की दुकान खोल लेना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा गया। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया, गुरु जी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तमाखू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा बेटा गुरु जी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते हैं, क्यों उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई ना लायक पे। क्योंकि गुरु जी ने हुक्का हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी है तेरा गजब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तमाखू मीन तमाखू प्रयोग जिसमें होता है, सूंघना भी नहीं है। तो यहां बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरा 512, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासा हारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोलें 70 जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मृग मोर मारे मैं मनता अचराचर है जीव अनंता। जीव स्वाद हिते हैं जो प्राणा दिमा नास गया हम जान्या, तितर लवा बुटेरी चिड़िया खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका, जो मो मन सिर बिस्मल लाई ही जीव्या स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना राजा के सिर धरा बयाना, शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नरनार। जीव दया बने कुफर है चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरा 512, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरा पान मदमासा हारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, गम पर दारा गम पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे
पे शत्रु मार देगा, यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत हुए। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी गमन करे वो गए पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तखते हैं, गम पर दारा गम पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा, यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा, मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, और मदरा पी वह कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बेरा पट्टेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जूठी किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, हैं, और कि तो टांग टूट जा खाज लाग जा, वो दुर्गति नारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान किए जानी। अपने आत्माओं, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। ओह हो, कहते सुराप सोनारी जारी करे और सुरापान 100 बार एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओह, अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से एक प्रगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे वो ग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी कर 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो धोखा है, अच्छा कमाल की बात है, जहर ने किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तमाखू तो ना पीते शराब, बस शराब को मांस खाते हैं, उन्होंने कहा मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग हैं। अब इन ओक्का पीणी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तमाखू के बारे में, तमाखू जो पीनो ओक्का गुड़गुड़ा में बैठ के उनके बारे में क्या बताते हैं। तमाखू कसीदम तमाम मस्त हैफ लुजित नसीरी कुवैती न कैफ,
हरदम मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरान माटी होए होएगी। फिर बताते हैं, तलक सा तमाखू और सिला घोट पीस, और देई नाच नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए, और वहाँ भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, वायु के साथ जहाँ ऑक्सीजन जाती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहाँ पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया, और वहाँ फिर एक अंगीठी बाड़ दी या कोई आग से लगा दी, क्वाट दिए बंद करे, वो के रो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आके धुमा वो धूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं, क्या बताते हैं, तलक सा तमाखू सिला गोट पीस, देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाखू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाखू प्रयोग करते हैं। कहते हैं, अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गौ को माता के तुल मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तम्बाकू कैसे बना, कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय, ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध सौ बार इसको ना खाए। अब तमाखू यानी गाय का खून, एक पौराणिक कथा है। एक राजा का एक साधु था, ऋषि पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म करने लग गया वो वैसा हो गया, जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, काली जाता है, एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को आने लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है, एक न पटवारी का है, एक न शास्त्री का है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साडू भगत था, ऋषि, एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहन दे भगवान, इन अपने ते ठाड्डा का भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक
एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला नु कसूती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रहा कित गया था, नो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड़े का भीतर नहीं बड़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अके हो गया नू तो जाया करें, ईसा के जुलम कर रहा है नो सर, वो बोला ले चलते, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख तरा बुलाओ बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि बम नहीं बुलाना चाहिए, ये नौनाते गल है, इब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है ले करता हूँ व्यवस्था। तो उसने क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया तो स्वर्ग से एक काम धेनु मंगा ली, काम धेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है, ऊपर से और ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भैया जो आज मरे राजा होगा उनका न्योता है हमारा साधु है सेवा करवा दिया। अब ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए, अगर साधु की मरोड़ का ढकाऊंगा मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए राख भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहाँ जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहाँ टेंट टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टू टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे, तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, काम देनु माता उतना तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट ठा ठा के सप्लाई करने लग रहे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहाँ से, हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया राजा ने पूछा भाई कहाँ से लाए ये भोजन, कहाँ से बनवाया आपने। उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है, एक काम देनु है, इस काम देनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है मेरे पास, कई लाख सेना बिला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले चाहे इसने खाना खिला दे। राजा बोला सैनिक को इस गाय को छीन लो साडू की यारी इतनी हो है, सैनिको इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात होगी है। तो ऐसे ही वो गौ जो है ना काम देनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा वह खुरमर लग गया,
और खुर में से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के, या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खू नाम खू का, तमा नाम गाय, सौगंध सौ बार इसको ना खाए। कहते हैं सौ बार सौगंध, इसकी सौ बार प्रतिज्ञा करो इसको खाना नहीं। गधे समान कौवा कर्म के कुलीन, पीवे तमाखू सो जम के आधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली ना गिरा से। ओहो, कहते हैं तमाखू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पेत बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाखुर गोरा पिवाक, दस बीस लंगर जा बैठे गुटाक। आह, कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ अर्घ उक्के हजूम, और कोरे को भद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नए, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पिनिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है कि फिर क्या बताते हैं। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाखू ना बोई। ओह, अपने आत्माओं, कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। तमाखू तर्क गर्क कर क्रोध, ममता मनी मार संसार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं, जो ओका पीते हैं ना उनके उर की कैसी सेटिंग हुआ करते हैं, हम देखा करते हैं। एक यहाँ बैठा है, दो तीन तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़े ही बैठेगा नू अनु का अला सर कहिए मेरे कहना, इतनी दूर बैठ गए जो करिए मेरे कहना भी। इसमें क्या बताते हैं, और बैठ के बतलावेंगे उनकी चर्चा सुन जोगी हुआ करें। कहते राजनीति की हैं, क्या किसी की ओर भाई फलाने गन्यू वगैरह नाश होगा उनका तय। यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कभी सुनी को ना, ने एंड बैंड को क्या है कि को किसी की फलाने की धकड़े की सारे गांव की चर्चा उड़ दो घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या आकर रले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले तमाखू कड़ुआ, यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, काला तमाखू और गोरा पिवाक, दस बीस लंगर जा बैठे गुटाक। दस बीस होके तो गुर्दे बैठ जाए गुटाक, यानी तमाखू पीनी है। बाजे ने गुड़ गुड़ और हुक्का हजूम, और कोरे कुबद्दी बीसा है नसो, यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोरी इधर उधर के आंकेंगे। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए टेढ़े पगड़ी प्यार नौकर को, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। नौकर कितना न डबोंगे ये ऐसे एक्टिंग करके। कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। गुरुड़ 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 शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे। ओए देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने। कहता है सुखन मान मेरा मेरी बात सुन ले, और कहता हूं तो ही यही मूल मंत्र तमाखू ना बोयो। अब बोवांगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर
जो है ना बैन लगा दिया, और तमाकू को बीजने पर भी बैन लगा दिया। और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस बुराई ते पांडा छुटवाण का कि इस तमाकू को बोइयो मत। क्या बताते हैं, तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा, वहां यम के दूत इन ओका पीढ़िया ने न्यारे पटकेंगे ठाके और उनका मुंह में मुत्या करें, नोकेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ गणा पिया करता है, कड़ुआ ही पी। कहते हैं ये सत्कर मानना पुण्यात्मा, दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश ज्ञान है और ये सत्य है। हमारे ना जच्चा हमारी नाला की है, अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और जूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार है। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेस। ले इब कड़वा ही पी ले तू पेशाब को। कहते हैं तमाकू तरास निराशा निराश, भूले धनी को जो कही है इलास, और पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। पुण्यात्माओं ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं, यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा। अजाजील बंदा इराना समूल, सरे का वचन जिन किया है अदूल, कैफी कमल कुंज खेचा कमंद, इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र। अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खेचा कमंद, यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ, और इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या, ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजील बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजील नाम का बंदा था। पुणात्माओं आप जी को यहाँ 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारे आदि कराता रहा कि तो चिड़िया ने दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारे इस तरह करते रहे धर्म यज्ञ, और कोई प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लग गया कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो, हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है, तो इस अहंकार रूपी शत्रुओं को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजील नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब, और फिर उसके लिए वो गया ऊपर, ऊपर के दाम में स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है, अब विष्णु भगवान वहां, विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की, और उसे वहां एक महा, एक स्वर्ग, स्वर्ग था वहां पर,
वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े, अजाजील चले गए, शरीर तो यहां छोड़ गए, इसके अंदर दो शरीर था। वो उस प्रणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस पर उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजील से कहा कि अजाजील, तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है और एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, एक बच्चा उत्पन्न कर, लड़का उत्पन्न कर, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नर भवे। उसने कह दिया नर भवे। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजील, अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजील बोला ना, मत ना करूं, यू तुम्हारा बेटा है, मेरे वचन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इस तरह से। अब परमात्मा ने सोचा यो अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने, इतनी मेहनत करी यो खो दिया काम। कह रहे तू कर ले, प्रणाम कर ले इसने, अकना मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे, अपने बनाए मैन्युफैक्चर अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ के। अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था, बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाता था सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इंद्रियपुर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुककर जाना पड़ता था। नो ऐसा गेट बना रखा, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा, इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजील, तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें का झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है ऐसे झुक के निकल गए और कहा आजा अजाजील मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरे, तू छलिया है ए? फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू कहा देखे ना, करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए मैं सारी जानूंगा ना करूं। अब परमात्मा ने तेने सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना, गधा बनेगा यो डकमी आत्मा। विष्णु जी ने कहा रहा आ जा तू, ना मैं ना हूं। बोला जा तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्मा यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजील अराना गए, अजाजील बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीहा कीन्हा अदूल। कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजील का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया, ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तमाकू शराब मांस बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो, तो आपकी भक्ति कति नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजील का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाएगा। काफिर गुदाहत गताशलाई, काफिर हु का पीवे अन्यायी, काफिर बांग बसोड़ी भरही ही, काफिर हु के कुसर करही, काफिर गट में धुमा देही, काफिर नाक नास में देही, काफिर कथ सुपारी चूना पान लपेटी मुख में थुन्या। वह काफिर जो ये कथा सुपारी मिला के
और फिर मुख में सूडे पान चाबे और फिर थूके पिचर सारा दांत काले लाल सारे दांत लाल होठ लाल थूके उड़े बिरान मिट्टी और सारा गंद मचा दे अन्यों के टेस्ट टट्टू टेस्ट है ये बता। काफर ये काफर है कहते ये ढेड़ है जो इस तरह की क्रिया करते हैं। काफर कत सुपारी चूना पान लपेट मुख में थूना थूना मैंने ठूसा अंदर नौकरा फिर उन्हें चाबेंगे एक घंटे की ब्रैन मट्टी रख। काफर मालन कुंडर पावे बिन ही कीने बाजी खावे कहते हैं वो ढेर आदमी हैं जो दूसरे जैसे पहले माली होते थे वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे कोई नकमी आत्मा जाता था उन्हें धमका डरा कर हंगे तो तोड़ लेता। अब सारे दिन तो मेहनत करें बेचारे मजदूरी करें उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर वो ढेर होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहाँ सब्जी वगैरह तोड़ लियावें बाग बगीचे में फल ले आवें। काफिर सो जो अम्ब चचोरे मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है अरे कादा कोई बात कह रहा हो ना जैसे बात कोई चलती है कोई कुछ विचार दे रहा है एक आधा बैठा बैठा बकवास कर कहते इस तरह जो करता है वो ढेर आदमी हो है यानी पहले बात सुना अगले की पूरी फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। तो कहते इस तरह कहते जो मजलिस बैठे मुख निपोरे और काफर सो जो कानी दे ही काफर जो कन्या धन ले ही वह ढेर आदमी है जो लड़की बेचते हैं उसको बेच कर यानी पैसे इकट्ठे करते हैं पैसे लेते हैं उनसे। काफर जो साड़ी से साखा काफर वतन उल्ट पलटे माँ का वह काफर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं अवैध संबंध करते हैं और वह काफर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घने दूर चले गए इसलिए हमारे अंदर ना लाजरी ना शर्म ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं यमन भगत हो भगता ने हृदय में जमाने चाहिए ये चाहे एक कथा हो पर उसको सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा कोई पता नहीं कैसे रखेगा इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ पाँव चल रहे थे इतने तो कुमा के लेंगी वो शराब पी वे समझावा मानना नहीं पर माँ की ममता न्यारी हो सह कदे तो समझ जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए उस नकमी ने कह दिया कि तू तो अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला और शराब भी पी गए गुटी माँ ने शराब दी वो ठोकर और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा और आगे ठोकर लगी शराबी था शराब पी रखी थी नशे में जुलम कर दिया तो कहते हैं गिर गया वो और माँ के दिल से आवाज़ आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लगी। तो यहाँ बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है बेटा या बेटी में और फिर हम उसका उसके साथ फिर बदव्यवहार करें उसकी बात ना मानने उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया ससुराल चली गई अब उस माँ की उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधु आवे मुझे प्यार दे क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी मेरी पुत्र वधु आवेगी उसने नो बैठाऊंगी ऐसे करूंगी फलान करूंगी और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ दूसरे घर में जाना कोई बालक का खेल नहीं है और वहाँ उस बालक ने कोई राजी ना बोला वह रह क्यों कर फिर वहाँ पर
तो ऐसे हमने एक अपना अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले और बहुत वह पुत्रवधु है उसके साथ थोड़ा मत भेद करे, यानी कोई भेदभाव करे तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्रवधु को रखे। ऐसे पुत्रवधु का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका, वहाँ तक 15-20-18 साल रही होगी और वहाँ आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक ग्रस्त जीवन को भी सुधारना है। तो यहां क्या बताते हैं, काफिर जो साली से साखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे मां का, वो काफिर जो मां के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहां भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये, जो भक्ति मार्ग में मां हो चाहे पिताजी, अगर नू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने, क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं। जो भक्त आत्मा है और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं डांटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे, फिर देखो विचार। तो ऐसे भगवान का आदेश है ये। पूजे देई धाम को शीस लावे जोए, गरीब दा साची कहे हद काफर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम, देई धाम है ना, आप अपने कोई कितना शाम जिन पूजा है, कोई कितना बनबोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गाम आली या कोई और बना रखे हैं, कहते हैं पूजे देई धाम को और शीश हलावे जो, कहते हैं उड़ा कर कैसे, और गरीब दास साची के हद काफर है सोए। वो महापापी है, महा दुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम, काफिर जो बनज व्यवहार, यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकम्मी आत्मा, वो ढेड है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम, जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम, ओह काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर है जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की, यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर। इस मनुष्य जीवन के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, अकल नगदे बने पावांगे, तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करें, और जो काफिर जो बिन सतनाम आधार, वो काफिर हैं जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे, कहते वो ढेर आदमी हैं जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए तीनों मंत्र, और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया पर गुरु बनकर, वह काफिर वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे, वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीब दास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने, काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंदबुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं, और काफिर जो गुड़ को दूध दो दूध दे साने,
पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे। गुड़ के साथ दूध कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाएं जानदर चुस चुस के ले ले, दूध पिए जाते, पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे सी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफर अनरुचि खाई, वह काफर जो भूले साई, वह काफर जो अंडा फोड़े, काफर सूर गऊ को तोड़े। वह काफर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेर है। वह काफर जो मुर्गा मारे, वो काफर उधर कर्द उधर से पाड़े। काफर पीवत गऊ हटावे और काफर कुए की मंडावे। जैसे गायें कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ सुना हटा दे वहां से। कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे, यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। ओए होए, काफिर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये भेक यानी सट दर्शनी, ये नारे नारे भेक, जैसे एक वैष्णो भेक और एक नागा भेक, एक गिरी एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेक बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट गिरे, एक दूसरे ने कतलेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए, वहां गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख को मारे और काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेर हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति नालक है, धर्म दया व्योहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं ये बात को मानने को ना, इन तो जाना ही काल के लोक में है। सौ नारी जारी करें ये सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं ये संखा नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिले इनका न तो न लगे उपदेश। सूर गऊ को खाते हैं ये भक्ति बहुने राड, भांग तमाखू खा गए सोचा बत है हार्ड। गरीब भांग तमाखू पीवे ही ये गोसत मदरा आहार, चंद सूर की आव लगिए चोला धरे बेगार। भांग तमाखू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। भांग तमाखू चाबे ही ये नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तमाखू पीवे ही ये गोसत गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं ये देंगे कहां जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी भेड़िया बाग, सोरू मां बक्षण करिए कर्म आपने बाग। कुरड़ी पर गद्धा चर ये बोले राग रमंड, और बेद कपते बाँच कर वो खा गए मुर्ग अंड।
ठूठा पी के भांग का यो भंगी बया खुशाल, मगन हुआ माने नहीं इराना है काल।